Welcome guys. In our previous video, we have discussed about the bearing classification. Okay. And now we are going to start with thrust sleeve bearing. Okay. So we said ki there are two types of sleeve bearing. One is the thrust sleeve bearing and another is radial sleeve bearing. So radial bearing ko hum log next part mein dekhenge. In this part, we are going to discuss about thrust sleeve bearing. Okay. So thrust sleeve bearing ko inka bhi further ek classification hai. Okay. Depending upon the load direction, as we said, so these can be classified into either we will say it is a collar bearing. Okay, so collar bearing hum isko bolenge agar ye horizontal direction ka load lag raha hai to, theek hai, agar horizontal direction mein hai, then we will call it as collar bearing, or if it is in vertical direction, then we will call it as pivot bearing. Okay. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में कि अगर वर्टिकल लोड को वो सस्टेन कर रहा है यानी कि वेट बेसिकली तो वी विल बी कॉलिंग इट एज पिवट बियरिंग एंड अगर हॉरिजॉन्टल को कर रहे हैं तो वी विल बी कॉलिंग इट एज कॉलर बियरिंग. ठीक है. तो अगेन द कॉलर बियरिंग कैन बी फ्लैट इन नेचर और इट कैन बी कॉनिकल इन नेचर. ठीक है. कॉनिकल भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, एंड देन इट कैन बी सिंगल और मल्टीपल. राइट. So there can be a subdivision again. It can be a single flat bearing or it can be a multiple bearing, right? Again, उसको further classify किया जा सकता है. Similarly, अगर हम pivot bearing की बात करेंगे तो again this can be a flat pivot bearing, okay? Or it can be a conical pivot bearing. ठीक है. तो हम लोगों ने classification बोल तो दिया but इसका मतलब exactly meaning क्या है. Okay? तो collar bearing हम इसको बोलेंगे when माई शाफ्ट इज लाइक दिस. ठीक है. देखो जब ये मेरा शाफ्ट है. ओके. और इस शाफ्ट को यहाँ पे मैं एक कॉलर को सपोर्ट दे रहा हूँ. ठीक है. बेसिकली तो इफ दिस इज माई बियरिंग आई विल कॉल इट एज कॉलर. ठीक है. ये मेरा एक कॉलर बना दिया मैंने इसके ऊपर में. ठीक है. तो दैट इज़ माई सिंगल कॉलर. एक सिंगल कॉलर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. ठीक है. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मल्टी कॉलर. ठीक है. मल्टी कॉलर में हम लोग क्या कर देंगे तो साफ्ट का भी डिज़ाइन चेंज होगा. साफ्ट के अंदर भी हम लोग ये डिफरेंट डिफरेंट ये बना देंगे. लेट्स से तीन हम लोगों ने यहाँ पे कॉलर बनाए हुए हैं. ठीक है. और वही चीज़ फिर अपने को बियरिंग पे देनी पड़ेगी. राइट. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी आर गोइंग टू डिज़ाइन अवर बियरिंग. इस टाइप से मेरा इसका बियरिंग भी हो जाएगा. तो ये क्या हो गया, मल्टी कॉलर हो गया. मल्टी कॉलर मीन्स वी हैव गिवन इट मोर देन वन कॉलर्स. इन प्रीवियस केस देर वॉज ओनली वन कॉलर एंड इन दिस केस वी आर हैविंग मोर देन वन कॉलर. मतलब टू बी एग्जैक्ट देर आर थ्री कॉलर्स. राइट. तो ये अपना डिफरेंस हो गया फ्लैट टाइप सिंगल बियरिंग में, सॉरी सिंगल कॉलर में, मल्टी कॉलर में. ठीक है. ये हो गया मल्टी कॉलर. तो मल्टी का यूज़ क्या है एंड फ्लैट का यूज़ क्या है वो हम अभी देखेंगे आगे. ठीक है. ठीक है. फिर कॉनिकल का मतलब क्या हो गया, इसी चीज़ को अगर मैं लेट से शाफ्ट के ऊपर ऐसा बना देता, इस टाइप का अगर हम शेप दे देते इसको, तो दैट वुड हैव बीन फॉर कॉनिकल बियरिंग. ठीक. तो अभी यहाँ पे जो बियरिंग लगता इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन नहीं होगा. ये मेरा हो गया बियरिंग. ओके. तो देर इज अ कॉनिकल बियरिंग हियर. है ना. कॉनिकल बियरिंग हो सकता है, फ्लैट बियरिंग हो सकता है. सिमिलरली अगर हम पिवट की बात करेंगे तो पिवट के भी अपने क्लासिफिकेशन से दोनों के दोनों सेम है. बस यहाँ पे जो शाफ्ट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा. तो शाफ्ट विल बी इन वर्टिकल शेप. ठीक है. तो दिस इज माय फ्लैट पिवट बियरिंग. ओके. ये फ्लैट पिवट बियरिंग है. अगर कॉनिकल की बात करेंगे तो सॉफ्ट एंड को कॉनिकल कर दो थोड़ा सा, तो ये मेरा हो जाएगा कॉनिकल बियरिंग. ओके. दिस इज ए कॉनिकल पिवट बियरिंग. है ना. ये इसका कॉन एंगल, टू अल्फा जिसको बोलते हैं. अगर सिंगल अल्फा की बात करेंगे तो दैट विल बी सेमी कॉन एंगल. है ना. सेम ही एंगल होगा वो. ओके. तो अब हम इस चीज़ को डिज़ाइन कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डिज़ाइन द
कॉलर बियरिंग या फिर पिवट बियरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल फ्लैट पिवट, सिंगल फ्लैट कॉलर बियरिंग से, उसका डिज़ाइन देखते कैसे होगा। और वहाँ पे दो थ्योरीज होती हैं, दोनों थ्योरीज हम लोग पैरेलली करेंगे। एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अपने, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेरिवेशन बस हल्का सा देख लो इसका, एंड जो भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू डू दैट वेरी इजीली। ओके ओके, तो इसका अब हम डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे अपने को स्ट्रेस की वैल्यू या फिर प्रेशर की वैल्यू निकालनी इसके ऊपर में, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोगों ने बनाया हुआ है शाफ्ट में, दिस इज़ गोइंग टू फेल बिकॉज ऑफ द एक्सियल लोड, ठीक है। तो ये मेरा शाफ्ट का है, शाफ्ट में अगर जब एक्सियल लोड आएगा, ठीक है, लेट्स से डब्ल्यू लोड इज कमिंग देयर ऑन द शाफ्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट डब्ल्यू लोड जो ये ब्लू कलर का मैंने अभी शेड किया है, दैट इज़ गोइंग टू फेल। एंड देयर कैन बी टू मोड्स ऑफ इट्स फेलियर अगेन, है ना। देयर कैन बी वन, इट कैन फेल अंडर सीयर। तो सीयर में जब ये फेल होगा तो डायरेक्टली जहाँ पे अभी मैंने रेड किया वहाँ से सिंपली सीयर में फेल हो जाएगा। ओके, अनदर देयर कैन बी क्रशिंग, ठीक है। तो क्रशिंग किसकी होगी, जो पार्ट इसका वॉल के साथ में कॉन्टेक्ट में, यानी कि इतने पार्ट की जो है क्रशिंग में फेल होगा। अगर क्रशिंग में फेल होगा तो जो अभी वर्टिकल एरो बना है ये वाला होगा, और सीयर में होगा तो जिसको मैंने अभी डैश किया था वो वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्रशिंग फेलियर की, ठीक है। तो क्रशिंग फेलियर के लिए लेट्स टेक द पैरामीटर्स हियर, ठीक है। तो इसकी जो ये छोटी वाली रेडियस है, लेट्स टेक दिस एज आर आई, ओके। अगली जो इसकी रेडियस है, लेट्स टेक दैट एज आर नॉट, ओके। और दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज अवर बी, ठीक है। मतलब बी इज द बेसिकली थिकनेस ऑफ द स्लीव, जो अपना इसके ऊपर में स्लीव लगा हुआ है उसकी वो मेनली थिकनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, कॉलर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी थिकनेस हो सकती है टी, टी इज द थिकनेस ऑफ द कॉलर, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है, डब्ल्यू लोड लग रहा है, ओके, आर नॉट है, आर आई है, एंड अपना टी उसका कॉलर का थिकनेस है। नाउ इफ़ आई टेक द, अगर मैं इसको साइड में ले जाके इसका व्यू बनाता हूँ, तो ये जो सर्कल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, द इंटरनल रेडियस इज आर आई, ओके, द एक्सटर्नल रेडियस इज आर नॉट। तो हम लोग आर आई से आर नॉट के बीच की बात कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज इट अंडर क्रशिंग, ठीक है। तो सीयर की बात हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल हम लोग क्रशिंग की बात करते हैं। तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू, आई एम गोइंग टू टेक द स्मॉल एलिमेंट ऑन इट, ठीक है। तो एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जाए इसके अंदर में, सर्कुलर एलिमेंट ही लेंगे अपन लोग, ठीक है, फाइन। तो ये एलिमेंट मैंने ले लिया एट ए रेडियस ऑफ आर, एंड द थिकनेस ऑफ द एलिमेंट विल बी डी आर, सिंपली, राइट, ओके। तो ये मैंने लिया है एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, और इसकी जो थिकनेस है दैट इज डी आर फॉर मी, ठीक है। नाउ आई हैव टू डिफरेंट क्राइटेरियाज टू अप्लाई माई थ्योरीज हेयर फॉर क्रशिंग फेलियर। वन विल बी नोन एज यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ओके, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, यानी कि हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो पूरी की पूरी अपनी कॉलर है उसके ऊपर यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है, ठीक है। सेकेंड इज नोन एज यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, ओके, तो दैट विल बी यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, ठीक है। तो दोनों थ्योरीज को हम पैरेलली देखेंगे कि किसका मीनिंग क्या है और उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्या बोलती है, दैट पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द कॉलर, यानी कि आर आई से लेके आर नॉट तक जो हमारा पी जो प्रेशर लग रहा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्या बोलती है कि पी इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, विच मीन्स कि पी वन आर वन या फिर पी आई आर आई इज इक्वल टू पी नॉट आर नॉट, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। तो ये बस इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें पैरेलली हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे तो यू विल बी एबल टू वेरी इजीली अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका एरिया कितना होगा, जो हमने छोटा एलिमेंट जो लिया है ना, इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, ओके। तो जब भी अपन लोग ऐसा एलिमेंट लेते हैं तो उसका एरिया कितना रहता है, टू पाई आर इंटू डी आर, है ना। इसके सर्कमफेरेंस जो है उस सर्कमफेरेंस से हम इसका थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू पाई आर डी आर इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट दैट आई हैव कंसिडर्ड, ओके। नाउ लेट्स अप्लाई दिस टू थ्योरीज हियर, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में अगर हम बात करेंगे उस छोटे से एलिमेंट के ऊपर जो मेरा डी डब्ल्यू निकलेगा, यानी कि
जो लोड दैट इज बीइंग सस्टेन्ड बाई दैट स्मॉल एलिमेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जितना उसके ऊपर में अपना प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है बेटा, तो जितना उस एलिमेंट के ऊपर में प्रेशर लग रहा होगा इनटू जितना उसका एरिया होगा, पी इंटू डी ए, राइट। और हमने ये बोल दिया कि पी की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है, तो डी डब्ल्यू इज गोइंग टू बी पी इंटू टू पाई आर डी आर, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी माई डी डब्ल्यू। तो अगर मैं टोटल डब्ल्यू की बात करूँ, डब्ल्यू नेट इट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन एंड दैट कैन बी इक्वेटेड टू आर आई टू आर नॉट पी इंटू टू पाई आर डी आर, ये अपन कर देंगे। तो इसको ज़रा कैलकुलेट कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, पी इंटू टू पाई, ये बाहर आ गया, आर डी आर का क्या होता है आर स्क्वायर बाई टू, यानी कि टू यहाँ पे आ गया और आर स्क्वायर यानी आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमम डब्ल्यू दैट कैन बी द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सस्टेन्ड बाई द कॉलर विद रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज इक्वल टू पी इन टू पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आ गया फॉर्मूला विद रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं अब यूनिफॉर्म वियर थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट करूँगा, ओके, तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्या बोलती है, पी इन टू आर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट वैल्यू इज देयर, ठीक है। तो नाउ आई विल से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जितना भी उस एलिमेंट पे लोड आ रहा है इनटू टू पाई आर डी आर, जितना भी उस एलिमेंट का एरिया है ना, यही अपन ने किया है। नाउ दिस पी इनटू आर दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, तो आई कैन रिप्लेस इट विद द कांस्टेंट इनटू टू पाई डी आर, दैट आई कैन डू वेरी इजीली, राइट। तो डब्ल्यू वैल्यू इज गोइंग टू बी, सॉरी, डब्ल्यू हेयर इज गोइंग टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी इनटू टू पाई डी आर, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूँगा, आर नोट से आर आर आई से लेकर आर नोट तक, है ना। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सी इंटू टू पाई, ये बाहर ले लिया अपन ने, इंटू डी आर, और डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल बी बेसिकली आर नोट माइनस आर आई, ये मेरा इधर में कैलकुलेट होके आ गया। नाउ आई नीड टू रिप्लेस द सी फ्रॉम हेयर, ठीक है, सी को मैं रिप्लेस करूँगा, तो सी की वैल्यू में कोई भी पी यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी आर यूज़ कर सकता हूँ, है ना, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जिसका भी मेरे को देखना होगा, तो पी एट एनी गिवन आर, ओके, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अच्छा पी, हाँ बेटा इसको पहले लिख देते हैं इधर, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू आर पाई आर नॉट माइनस आर आई। तो फर्स्ट थिंग इज दैट आई कैन कैलकुलेट द पी दैट प्रेशर वैल्यू एट एनी पॉइंट, है ना, तो किसी भी पॉइंट पे जो मेरा प्रेशर का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पाई आर, यानी कि वो रेडियस इंटू आर नॉट माइनस आर आई, ठीक है। ये तो हो गया मेरा प्रेशर वैल्यू एट एनी लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू दैट टू विथ है यहाँ पर टू पाई आर इंटू आर नॉट माइनस आर आई, ओके। नाउ अभी मेरा अगला स्टेप में क्या करता हूँ, इधर में आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द फ्रिक्शनल टॉर्क हेयर, ओके, फ्रिक्शनल टॉर्क की मैं यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो फ्रिक्शनल टॉर्क अगेन विद द हेल्प ऑफ बोथ दीज केसेज, ओके, दोनों केसेज की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छा यहाँ पे इस केस में जो डब्ल्यू मैक्सिमम है वो ये हो गया, तो इसके ऐसे केसेज में अपने को दिया हुआ होता है कि इंटरनल रेडियस पे कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है एंड एक्सटर्नल रेडियस पे कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है, तो वहाँ से वी कैन कैलकुलेट द पी इंटू आर वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट इज अबाउट फ्रिक्शनल टॉर्क, ठीक है, तो फ्रिक्शनल टॉर्क का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो लेट्स चेक इट। तो फ्रिक्शनल टॉर्क की जब हम बात करेंगे तो हाउ विल आई डिफाइन द टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू जो भी मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इंटू जिस रेडियस पे वो लग रहा है, ठीक है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि सेम वही लोड जो लोड ये सस्टेन कर रहा होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू इंटू, ये कितना लोड सस्टेन कर रहा था, ये कर रहा था हमारा पी इंटू डी ए, इतना लोड सस्टेन कर रहा था, दैट इज अवर फ्रिक्शनल फोर्स इंटू रेडियस, तो हाउ मच विल दैट बी विद रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, तो म्यू इंटू पी टू पाई आर डी आर इंटू आर, ओके, एंड ये बेसिकली अपना हो गया म्यू इंटू पी टू पाई आर स्क्वायर डी आर, ओके, एंड नाउ ये मेरा हो गया जो फ्रिक्शनल टॉर्क है
सस्टेन्ड बाई दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. तो अगर मेरे को टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना होगा तो आई विल इंटीग्रेट इट. ओके, तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे फ्रॉम आर आई टू आर नॉट, दैट इज गोइंग टू बी म्यू इन टू पी टू पाई आर स्क्वायर डी आर बेसिकली. तो अब यहाँ पे देखो टू म्यू पी पाई ये सब बाहर आ गया, अंदर बच गया आर स्क्वायर डी आर. आर स्क्वायर डी आर क्या होता है, आर क्यूब बाई थ्री होता है, यानी कि डिवाइड बाई थ्री एंड आर नॉट क्यूब माइनस आर क्यूब. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा कैलकुलेट करने में अपने को. तो टू पाई पी म्यू बाई थ्री इंटू आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब. ओके, आई कैन डू वन मोर थिंग हेयर. यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरे को फ्रिक्शनल टॉर्क डब्ल्यू के टर्म्स में चाहिए, ठीक है, तो मैं पी को रिप्लेस कर दूंगा, है ना. और पी के लिए मैं फिर ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट किया है उस वैल्यू से इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा. तो टी फ्रिक्शनल कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई कैन राइट हेयर टू म्यू डब्ल्यू. अब हम डब्ल्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं डिवाइड बाई थ्री इन टू आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर. ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व भी किया जा सकता है कि ऊपर से नीचे से कुछ चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, नहीं तो सॉल्व दैट. ठीक है, तो इतना अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं. ठीक है, अभी अगर फ्रिक्शनल टॉर्क की हम लोग बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी. ठीक है, तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू कैसे निकलेगा. ओके, तो देखते हैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में क्या हो रहा होगा. ठीक, तो अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी आई एम गोइंग टू हैव ए फ्रिक्शनल टॉर्क विच विल बी इक्वल टू डी एफ इन टू वही, मतलब जो यहाँ पे फॉर्मूला अपने लगाया डी टी इज इक्वल टू करके. ठीक है, तो टॉर्क वैल्यू विल बी इक्वल टू टी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी एफ, है ना. और डी टी एफ का फॉर्मूला तो वही लगेगा जो अपन ने यहाँ पे लिखा था. ठीक है, बस अपन को यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट की वैल्यू यूज़ करनी है. तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच विल इट बिकम, देखो ये था इंटीग्रेशन टू पाई पी म्यू इंटू आर स्क्वायर डी आर, है ना. और पी इंटू आर जो है वो अपना एक कॉन्स्टेंट है, तो आई कैन टेक दैट वन आउट, यानी पी इंटू आर को जो है मैं बाहर यहाँ पे निकाल सकता हूँ. तो दिस बेसिकली बिकम्स इक्वल टू म्यू इंटू कॉन्स्टेंट इंटू टू पाई, ओके, जो भी आ रहा था, एंड आर डी आर बच गया. क्या वैल्यू बच गया मेरा फ्रिक्शनल टॉर्क का वैल्यू. अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ तो टी इज इक्वल टू म्यू सी पाई, ठीक है, इंटू आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर. ठीक है, ये मेरा आ गया यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला फॉर द फ्रिक्शनल टॉर्क वैल्यू. ओके, एंड अगेन अगर मैं यहाँ से सी को रिप्लेस करना चाहूँगा, ठीक है, सी को रिप्लेस अगर मैं इधर से कर दूंगा तो दैट फ्रिक्शनल टॉर्क विल बिकम टी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू म्यू आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर. ठीक है, म्यू डब्ल्यू आर नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू आर नॉट माइनस आर. यहाँ पे मैंने बेसिकली किया क्या है, जो ऊपर हमारा रिलेशन निकला था W के लिए, है ना, ये जो रिलेशन हमने निकाला था इधर, ये जो W का रिलेशन था इसमें से मैंने C की वैल्यू निकाल के उधर रिप्लेस कर दिया. ठीक है, तो W के फॉर्म में बेसिकली मैंने कैलकुलेट कर लिया फ्रिक्शनल टॉर्क को इन बोथ द केसेस, इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी ऑल्सो एंड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी ऑल्सो. ये अपना यूनिफॉर्म प्रेशर का आया था एंड ये अपना यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का आ गया. ठीक है, तो वेल दैट इज़ वेरी इजी. अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे यूनिफॉर्म वियर को, ठीक है, तो यानी कि आर नॉट आर आई ऊपर से कॉमन लिया जा सकता है ना, तो दैट विल बिकम म्यू इन टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू और अंदर आ जाएगा अपना आर नॉट प्लस आर आई. ठीक है, ये अपना आ गया फ्रिक्शनल टॉर्क है विद रेस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म थ्योरी. अब यहीं पे इफ वी टॉक अबाउट द सेफ डिजाइनिंग, ठीक है, तो सेफ डिजाइनिंग क्या होना चाहिए. फॉर सेफ डिजाइनिंग टाउ मैक्सिमम वैल्यू हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल वैल्यू, है ना. जो भी अपना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ पे आया है वो अपना क्या बोलते हैं, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द परमिसिबल वैल्यू. ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा शियर क्राइटेरिया. ठीक है, ये अपने क्रशिंग क्राइटेरिया तो हमने देख लिया कि मैक्सिमम लोड कितना कैरी कर सकता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द शियर क्राइटेरिया, ओके, तो शियर क्राइटेरिया अपने को कहाँ लगा था,
कहाँ लगाना था, एट इनर रेडियस, है ना। इनर रेडियस पर अपने को लगाना था शियर क्राइटेरिया। अगर उस फिगर को अपन फिर से देखेंगे तो ये शियर क्राइटेरिया की हमने बात किया था यहाँ पे लगाने के लिए, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई द शियर क्राइटेरिया नाउ। तो शियर का अकॉर्डिंग क्या था, एफ एस डिवाइडेड बाई एरिया दैट इज गोइंग टू गेट शियर ऑफ हैज टू बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल, है ना। और जो लोड अपना लग रहा है दैट इज डब्ल्यू डिवाइडेड बाई कितना एरिया शियर होगा, टू पाई आर आई इन टू टी। टी हमने थिकनेस उसका जम किया हुआ था, हैज टू बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल। तो यहाँ से मैं अपनी थिकनेस को कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए मेरे कॉलर की, दैट आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर। ओके, तो बेसिकली आई विल बी एबल टू कैलकुलेट आर नॉट एंड आर आई फ्रॉम द क्रसिंग क्रसिंग पार्ट, ओके, एंड थिकनेस आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम द सीयरिंग पार्ट। तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पिवट केस, ओके, ये तो अपना हो गया कॉलर का केस, है ना, कॉलर बियरिंग का केस हो गया। इफ आई टॉक अबाउट द पिवट बियरिंग, तो क्या चीज़ चेंज होगी, इन केस ऑफ ए पिवट बियरिंग वी आर सिंपली हैविंग सेम थिंग ओनली, है ना। देखो ये अपना जो है शाफ्ट लग रहा था, ओके, और शाफ्ट को हमने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है एक पिवट के अंदर, है ना। ये मेरा पिवट बियरिंग था और इसके ऊपर ये लोड लग रहा है शाफ्ट के ऊपर में डब्ल्यू, ठीक है। इफ दिस आई कंसिडर एज एक्सटर्नल रेडियस इज आर नॉट, तो ओनली चेंज दैट आई विल नीड टू मेक इज आर आई इज इक्वल टू जीरो एंड आर नॉट की जगह में जो भी इसका रेडियस होगा आर वो पुट कर दूंगा। तो सेम थ्योरीज आई कैन एक्सटेंड फॉर द पिवट बियरिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो अगेन इफ आई से विद रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी पे जो मेरा फॉर्मूला आया था फ्रिक्शनल टॉर्क क्या आया था, टी एफ वॉज इक्वल टू टू म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई थ्री इंटू आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, है ना। इसमें आई नीड टू डू कि आर आई को हमने जीरो करना है, आर नॉट को आर कर देना, तो दैट विल कम एज टू म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई थ्री इंटू आर क्यूब और नीचे आर स्क्वायर, यानी खाली आर यहाँ पर बच जाएगा जो भी उसकी रेडियस होगी, ठीक है। तो दैट इज सिंपली टू बाई थ्री म्यू डब्ल्यू आर। तो ये मेरा हो गया फ्रिक्शनल टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू ए पिवट, ठीक है। पिवट के केस में ये हो गया, अगर हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी यूज़ करेंगे तो। अगर सेम एट द सेम टाइम इफ आई वांट टू यूज़ द यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी ओवर हियर, ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी की वजह से क्या आता था, फ्रिक्शनल टॉर्क वाज म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू इंटू आर नॉट प्लस आर आई। ये अपना फॉर्मूला कैलकुलेट होकर आया था, यहाँ पर मैं आर नॉट की जगह आर कर दूंगा, आर आई की वैल्यू जीरो कर दूंगा, तो दैट विल सिंपली बिकम हाफ ऑफ म्यू डब्ल्यू आर, ठीक है। तो ये अपना आ गया फ्रिक्शनल टॉर्क का वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू दिस यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी, ओके। अब अगर यहाँ पे मैं इन दोनों का रेशियो निकालूँ पिवट के लिए, ठीक है, मैं इनके बात करता हूँ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी की हेल्प से, तो टॉर्क रेशियो या फिर फ्रिक्शनल टॉर्क रेशियो, ओके, दैट इज टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी डिवाइडेड बाई टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी, है ना। कितना फ्रिक्शनल टॉर्क वहाँ पे लग रहा है, दैट इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई थ्री, ओके, 1.33। यानी कि यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हमारा ज़्यादा पावर लॉस हो रहा है एज कम्पेयर टू द यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी, ओके, बिकॉज यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी सेज कि हमारा जो फ्रिक्शनल टॉर्क है दैट इज 1.33 टाइम्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी, है ना। तो पावर लॉस क्या होगा अपना, पावर लॉस इज इक्वल टू नथिंग बट फ्रिक्शनल टॉर्क इंटू ओमेगा, जो भी उसकी रोटेशनल स्पीड है, तो ओमेगा तो कॉन्स्टेंट ही है, तो फ्रिक्शनल टॉर्क जिसका ज़्यादा है उसका पावर लॉस भी ज़्यादा है, तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी गिव्स अस मोर पावर लॉस, दैट इज़ वाई फॉर द डिज़ाइन पर्पज अनलेस इट इज़ मैंसन्ड वी विल यूज़ प्रेशर थ्योरी ओनली, ओके। यूनिफॉर्म प्रेशर को हम लोग यूज़ करेंगे, अगर उसने अलग से वहाँ पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज़ करने के लिए नहीं बोला है तो, ठीक है। तो ये हो गया अपना सारा का सारा शियर का केस हो गया, एंड क्रसिंग के अंडर में हमने देख लिया है, ठीक है, फ्लैट का पिवट बियरिंग का देख लिया है, फ्लैट अपना
कॉलर बियरिंग का देख लिया है ना, कॉलर का अपन ने देख लिया, तो दैट इज़ वेरी इजी है ना। यहाँ पे ये तुम जो लास्ट अपना रिलेशन आया है इसको याद भी रख सकते हो कि फ्रिक्शनल टॉर्क बाय यूपीटी 33% ग्रेटर देन दैट ऑफ यूडब्ल्यूटी, ठीक है, इन केस ऑफ फ्लैट पिवट बियरिंग, एंड दैट इज़ वाई वी विल बी यूजिंग प्रेशर थ्योरी यूजुअली। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंगल क्लच की, क्योंकि क्लच एंड कॉलर बियरिंग इनका कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, तो लेट्स टॉक अबाउट द सिंगल क्लच है। ओके, तो क्लच के बेसिकली क्लच में और बियरिंग में जो मेन डिफरेंस है दैट इज द बियरिंग वी आर यूजिंग टू सपोर्ट द लोड, ठीक है, बियरिंग का जो पर्पज है दैट इज टू सपोर्ट द लोड, बट जो क्लच का जो पर्पज है दैट इज टू ट्रांसमिट द लोड या फिर ट्रांसमिट द पावर, तो ये इनका मेन डिफरेंस है पावर ट्रांसमिशन। दैट इज वाई वी ऑलवेज से कि क्लच के अंदर हमारा डिजायर्ड फैक्टर क्या है कि ज़्यादा फ्रिक्शन होना चाहिए जिससे कि सारी की सारी पावर ट्रांसमिट हो सके, बल्कि बेयरिंग के अंदर हम लोग नहीं चाहते कि हमारा ज़्यादा फ्रिक्शन हो आए, ठीक है। तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि फॉर द सेफ डिज़ाइन ऑफ बेयरिंग वी विल बी यूजिंग यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, बट फॉर द सेफ डिजाइनिंग ऑफ क्लचेज वी से इफ द क्लच इज ओल्ड, ओके, अगर ओल्ड क्लच है तो द प्रेशर विल बी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, दैट इज वाई वी विल यूज यूनिफॉर्म वियर थ्योरी फॉर ओल्ड क्लचेज, ओके, बट इफ द क्लच इज न्यू वी कैन यूज यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी देयर, ओके, एंड अनलेस इट इज मेंशनड विच वी हैव टू यूज हेयर वी विल कंसिडर द क्लच एज ए ओल्ड क्लच एंड वी विल बी यूजिंग यूनिफॉर्म वियर थ्योरी ओवर देयर, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि इनिशियली जो उसका सरफेस वो काफ़ी अच्छा है तो पूरा का पूरा प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज़ वाई इन द न्यू क्लचेज यूपीटी, बट जैसे जैसे अपनी क्लच पुरानी होती जाएगी उसका सरफेस कुछ वॉर्न आउट होता जाएगा, तो वहाँ पे वी कैन यूज़ द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ओके, नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स और वहाँ से हम लोग अभी जो अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं जो भी डेरिवेशन किया है इनका थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट अपन देख लेते हैं, ठीक है। सो वी आर गिवन दैट वी नीड टू अप्लाई ए यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी हेयर सच दैट द इंटरनल डायमीटर इज 40 mm ऑफ द क्लच ऑफ द कॉलर एंड एक्सटर्नल डायमीटर इज 100 mm, ठीक है, ये दो चीज़ हमने यहाँ पे दे रखी है। द यूनिफॉर्म प्रेशर इज 2 MPa, ठीक है, 2 MPa का यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है, फ्रिक्शन कोफिशियंट इज म्यूजिकल टू 0.4 एंड वी नीड टू कैलकुलेट द फ्रिक्शनल टॉर्क इन दिस केस, ठीक है, तो फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू क्या होगी दैट आई नीड टू कैलकुलेट ओवर हेयर विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले अपना स्टेप क्या है, देखो अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद रहता इन द एग्जाम यू कैन ऑलवेज गो विद द डेरिवेशन, बट गलत फार्मूला मत यूज़ कर लेना जल्दी जल्दी, ठीक है, अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा डेराइव कर लो, तो 2/3 म्यू इंटू डब्ल्यू विल मल्टीप्लाइड बाई आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब डिवाइडेड बाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे अपने को सारी के सारी वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, ना डब्ल्यू नहीं दे रखा, हम लोग डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, या तो डब्ल्यू वाला फार्मूला यूज़ करो या फिर पी वाला फार्मूला यूज़ करो, तो डब्ल्यू क्या होता था यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में, प्रेशर इंटू पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ये होता था बेसिकली अपना, है ना, तो इसको अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो टी एफ इज इक्वल टू वट आई एम गेटिंग ओवर हेयर 2/3 म्यू पी पाई इंटू आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब, और इनके आप सबकी आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो, तो दैट विल गिव मी 2/3 इंटू मी की वैल्यू कितनी थी 0.4, प्रेशर कितना था 2 MPa, है ना, तो आई कैन कन्वर्ट इट इंटू, और यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि कौन सी यूनिट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो 2 × 10⁶ बेसिकली, ठीक है, 2 MPa एंड इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तो आर कितना है मेरा एक्सटर्नल जो रेडियस है वो इसने दिया 100 mm, तो 100³ माइनस इंटरनल जो रेडियस दिया है दैट इज़ अवर 20 mm, तो 20³ इज मल्टीप्लाइड बाई 10⁻¹ that is going to be minus 9, it is going to be here, ठीक है, माइनस 9 it will be, और इसको हम लोग यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जब अपन लोग ये सारी वैल्यूज डाल देंगे कैलकुलेशन करेंगे तो दो फाइनल अपना जो W का वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी
ओके तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जिसके अंदर वी नीड टू कैलकुलेट द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द क्लच इफ़ पावर ट्रांसमिशन ऑफ 5 किलोवाट टेक्स प्लेस एट 2000 आरपीएम टेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25 एंड यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ 1 मेगापास्कल द इंटरनल रेडियस इज गिवन एज 25 mm ठीक है तो यहाँ पर अपने को इतने सारी वैल्यूज दे रखी हैं आर नॉट वी नीड टू कैलकुलेट पी इज गिवन एज 5 किलोवाट एन इज 2000 आरपीएम म्यू इज 0.25 तो अपना सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा वी नो दिस फॉर्मूला ओनली कि टी एफ इज इक्वल टू 2/3 म्यू पाई पी आर क्यू माइनस आर क्यू है ठीक है बट यहाँ पे अपने को राइट हैंड साइड की तो सारी चीज़ें दे रखी हैं लेफ्ट हैंड साइड की नहीं दे रखी है विच इज फ्रिक्शनल टॉर्क तो सबसे पहला मेरा स्टेप होगा टॉर्क कैलकुलेट करने का ओके एंड टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं टू कैलकुलेट द टॉर्क आई नीड टू यूज पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा ठीक है तो टॉर्क इनटू ओमेगा क्या वहाँ से अपने को टॉर्क का वैल्यू निकल गया ठीक है फिर ये टॉर्क की वैल्यू जब यहाँ पे मैं बैक पुट करूँगा और ये इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट आर नॉट इज इक्वल टू 39.4 mm ठीक है ये यहाँ पे अपना फाइनल जो है वैल्यू आ जाएगा इसका आरपीएम का ओके यहाँ पे वी आर हैविंग ए सिंगल फ्लैट क्लच विच हैज म्यू इज इक्वल टू 0.3 ठीक है यानी कि सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3 है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कैन नॉट एक्सीड 1.5 मेगापास्कल दैट मीन्स पी मैक्सिमम इज 1.5 मेगापास्कल ठीक है द आउटर डाया ऑफ द फ्रिक्शन लाइनिंग यानी कि डी नॉट इज 200 mm ओके एंड डी आई इज 100 mm तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट करूँगा सबसे पहले रेडियस यानी कि आर नॉट इज इक्वल टू 100 mm ओके एंड आर आई इज इक्वल टू 50 mm ये दो चीज़ मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकूँ अज्यूमिंग द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यहाँ पर अपने को यूनिफॉर्म वियर थ्योरी लगाना है फाइंड आउट द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओके तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी ओके तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में जो अपना टॉर्क का फॉर्मूला है क्या आया था वो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इट वॉज म्यू इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई आर नॉट प्लस आर आई डिवाइडेड बाई टू ठीक है लेकिन मेरे को यहाँ पर डब्ल्यू नहीं मालूम है डब्ल्यू क्या है ठीक है तो डब्ल्यू के लिए मैं क्या करूँगा पी यूज़ करूँगा पी का कंसेप्ट मेरे को यूज़ करना पड़ेगा अदर देन दिस ऑल्सो वी हैड वन मोर फार्मूला फॉर दिस यूनिफॉर्म वियर थ्योरी है ना यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का अपने दो फार्मूले निकाले थे ना आई विल चेक इट न्यू डब्ल्यू ओके ठीक है और वी हैड सेड कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू टी एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू पाई इंटू सी सी कॉन्स्टेंट के टर्म्स में हमने बोला था आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर है ना ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी थी तो व्हाट आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर सी कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं सी इज इक्वल टू क्या होता था पी इंटू आर होता था अब मेरे को यहाँ पे पी क्या दे रखा है कि पी मैक्सिमम 1.5 मेगापास्कल हो सकता है लेकिन ये नहीं दे रखा है कि इंटरनल रेडियस पे है कि एक्सटर्नल रेडियस पे है तो सी वन पी इंटू आर इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू ओके तो अगर आर बढ़ेगा तो पी का वैल्यू डिक्रीज होगा यानी कि पी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी इंटरनल रेडियस पे आएगी ओके तो इंटरनल रेडियस विल बी हैविंग मैक्सिमम पी तो सी की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी 1.5 मेगापास्कल इंटू इंटरनल रेडियस और इंटरनल रेडियस कितनी 50 mm ठीक है दैट इज गोइंग टू बी माई सी नाउ आई कैन यूज इट डायरेक्टली हेयर तो फ्रिक्शनल टॉर्क इज इक्वल टू म्यू म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 0.3 इंटू पाई इंटू सी सी की जो वैल्यू आ गई है 1.5 इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाई 10^3 इंटू आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर इंटू 10^-6 ठीक है और इस चीज़ को जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो वी विल गेट द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड ओवर हियर एंड दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी ये वैल्यू अपनी होगी 529.8 टी एफ इज इक्वल टू 529.8 न्यूटन मीटर ओके